हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग इस कोरोना महामारी हर हर महादेव कृपा से अच्छे हो सुरक्षित होंगे। अच्छे होते हैं तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। हर हर, यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज इकोनॉमिक्स। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक नया मैच है, व्हाट इज इकोनॉमिक। व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक इंडेक्स नंबर आर टाइम्स वी। व्हाट इज इकोनॉमिक इंडेक्स नंबर, सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक इंडेक्स। सबसे पहले आपको बता देना चाहिए इंडेक्स नंबर क्या। किसी भी करेंट पीरियड में किसी भी गुड सर्विस का मार्केट प्राइस, किसी बेस ईयर में उस गुड सर्विस के मार्केट प्राइस के जो रेशियो होता है, परसेंटेज रेशियो, उसी को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। यानी सपोज आज से 10 साल पहले किसी एक पेन की कीमत 2 रुपए थी, आज 10 साल बाद उसकी कीमत 10 पे हो गई है, तो यानी कितने प्राइस का इंक्रीजमेंट हुआ? 5 टाइम्स का हुआ। तो ये जो 5 टाइम्स इंक्रीजमेंट, यानी 500% जो प्राइस इंक्रीजमेंट हुआ, इसी को इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से हमें ये पता चलता है कोई पार्टिकुलर गुड सर्विस किसी करेंट पीरियड में कितना इंक्रीज हुआ है बेस ईयर की अपेक्षा। तो बेस ईयर की अपेक्षा करेंट ईयर में कितना मार्केट प्राइस उसका इंक्रीज हुआ है, ये हमें इंडेक्स नंबर पता चलता है। तो अब जनरल इंडेक्स नंबर परसेंटेज में हम याद करते हैं, रेशियो में भी याद करते हैं, किसी रेशियो को परसेंटेज में बदला जाता है। तो जनरल इंडेक्स नंबर परसेंटेज, यानी इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर ये बताता है कि करेंट पीरियड में किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस का उसके बेस ईयर में मार्केट प्राइस से कितना इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हुआ है, ये हमें इंडेक्स नंबर से पता। इंडेक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो। अब यहीं पे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर जितने इंक्रीज होंगे, इससे हमें पता चलेगा कि महंगाई बढ़ी है। जब महंगाई बढ़ी है तो इससे हमें ये पता चलेगा मार्केट प्राइस बढ़ी है, और जब मार्केट में प्राइस बढ़ी है तो मार्केट का यानी डिमांड भी बढ़ा है, और जब मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगा फिर वही इकोनॉमी सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सेविंग से बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कह सकते इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलती रहेगी, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेविंग में, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेविंग। ओके मैम, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलती रहेगी, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेविंग में, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके मैम, हम कह सकते हैं इंडेक्स नंबर का इकोनॉमिक्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। ओके मैच, आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक इंडेक्स। अगर आपके क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा। और गणे भविष्य में मेरे लेक्चर वीडियो चापाए सीख रहे आगे बढ़े दीजिए चौथे क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक पे मिले कौन से जरूर, और मेरा बहुत ही फायदे में साबित होंगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शटर में तो लव, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज ऑज ह्यूमन गेट्स। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एडवांस। हरा।